फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, जी हाँ, हम वीडियो में जानेंगे 12th NIS इंग्लिश के सॉल्व TMA के बारे में, जिसका कोड है 302। 12th क्लास में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश का जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी में आपकी 20 मार्क्स की TMA फाइल बनती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12th क्लास की इंग्लिश की TMA फाइल के आंसर्स आपको कौन कौन से लिखने हैं। A to Z आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में अच्छे तरीके से मिलेंगे। सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो आपके लिए रहती है हेल्पफुल तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आइए जान लेते हैं कि इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका कोड है 302, उसके आंसर्स TMA फाइल के कौन कौन से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, दैट मीन शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। दो नंबर का क्वेश्चन है ये। आपको हर एक क्वेश्चन में दो जो है चॉइस देखने को मिलती है, आपको केवल वन ऑप्शन चूज करना पड़ता है और उसका ही आंसर आपको अपनी फाइल में लिखना पड़ता है। ए और बी करके आपको दो चॉइस दे रखी होती है, बट मैंने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है और उसी का आंसर मैंने इस फाइल में लिखा है। इस तो देख लेते हैं हम, पहला क्या है, क्रिकेट टू यूज अ क्लिशे इज इन माई ब्लड, वॉट डिड गावस्कर मीन टू से इन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो, गावस्कर फादर वॉज अ गुड क्लब लेवल क्रिकेटर, ही टॉट हिम द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम एंड एनकरेज हिम, दे डिस्कस द गेम्स फाइनल पॉइंट्स। गावस्कर यूज टू प्ले क्रिकेट विद हिज मदर इन द स्मॉल गैलरी ऑफ हिज ऑफ देयर हाउस। हिज अंकल माधव मंत्री हैड ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 4 टेस्ट मैचेस। दस गावस्कर हैड क्रिकेट इन हिज ब्लड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर भी आपको दो चॉइस आपको दी हुई होती है, बट मैंने ऑप्शन ए को, बी को सॉरी, इसमें चूज किया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे कहा गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स, यहाँ पर मैंने बी को चूज किया है, तो बी को पहले पढ़ लेते हैं। बी जो है आपका क्वेश्चन है, ये छोटा सा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है। यहाँ पर कहा गया है न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नो वन केयर्ड टू मेंट और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैज श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड। शी वॉज इवन बैस्ड एंड ऑइल्ड वॉज रफ्ड इन टू हर ड्राई बॉडी एंड मैटेड हेयर ओनली देन शी बिगन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम। ये यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि इतना ये आपका पैराग्राफ है, आपको इसको पढ़ के इसके बेसिस पर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है कि ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हाई डिड भोली गेट एन ऑयल मैसेज एंड अ बाथ, तो इसका आंसर है नो वन केयर्ड अबाउट भोली, नो वन केयर्ड टू मैन और वॉश हर क्लोथ, शी वॉज इवन बैट एंड ऑयल वॉज रफ्ड इन टू हर ड्राई बॉडी एंड मैटेड हेयर। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डे भोली वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज हर पेरेंट्स थॉट टू सेंड हर स्कूल। सेकेंड आपका पॉइंट है इसमें, टू हूम डिड द क्लीन ड्रेस ओरिजिनली बिलोंग, इसका आंसर है कि न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, नो वन केयर टू मैन और वॉश हर क्लोथ्स, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैज श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वॉज पास्ड ऑन टू हर। तो यहाँ पर केवल दो पॉइंट्स थे आपके इस क्वेश्चन के अंदर जो जिनका आपको आंसर लिखना था, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं और सेम टू सेम यही आप अपनी फाइल में लिख लीजिए। अब मूव ऑन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर है, दैट मीन्स हम लोग धीरे धीरे 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 to 60 वर्ड्स, अगेन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दो नंबर का है ये भी आपका। इसमें आपसे कहा गया है, इसमें मैंने जो है दूसरा जो हमारा ऑप्शन है सेकंड, उसको चूज़ किया है और इसमें कहा गया है व्हाट डिड द इंट्रूडर प्लान टू डू एज विंसेंट चार्ल्स, इसका आंसर है द इंट्रूडर विंसेंट चार्ल्स वाज अ क्रिमिनल, ही वाज अ ज्वेल थी, he had once killed a cop and was on the run from the police, he changed to sea and decided to kill Girard, a man with mysterious ways of living, he decided to kill Girard and take on his identity, he found out that Girard has a car, he did not have many visitors, planned his orders and moved in and out of the cottage suddenly, his plan was foiled by Girard and he was locked up in a cupboard। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन जाता है, 4 नंबर का होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है। इसमें कहा गया है व्हाट लाइट डू द लाइंस, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन, थ्रो ऑन द कैरेक्टर ऑफ द मदर। इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। इट वॉज अ डार्क नाइट, इट हैड बीन रेनिंग स्टीडली फॉर 10 आवर्स, अ स्कॉर्पियन केम आउट ऑफ द इटसेल्फ एंड एंटर द पोइट्स कॉटेज, इट हिट इटसेल्फ अंडर अ लार्ज बैग ऑफ राइस, व्हेन द पोइट्स मदर वेंट देयर इन द डार्क टू कलेक्ट राइस, द स्कॉर्पियन स्टंग हर, आफ्टर इंजेक्टिंग इट्स पॉइजन इनटू हर बॉडी इट्स स्लिप्ड आउट इन द रेन अगेन। आगे भी दे रखा है इसमें, यहाँ से है फिर द मदर क्राइड इन पेन, द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज रैपिडली, द पीसेंट्स केम टू द कॉटेज इन अ लार्ज नंबर लाइक फ्लीज, दे रिपीटेड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स सो दैट द स्कॉर्पियन माइट स्टॉप मूविंग। नेक्स्ट है इसमें, द पीजेंट्स ब्रॉट विद देम कैंडल्स एंड लैंटर्न्स, दे स्टार्टेड देयर सर्च फॉर द डेविल, सर्च फॉर द डेविल, दे कास्ट लार्ज स्कॉर्पियन लाइक शेडोज ऑन द मड वेल, their search bore no fruit, when they failed to trace the scorpion they started chanting prayers, they said that the pain and sufferings of the mother in the life would lessen her sufferings in the next life, the poison would purify her body of all desires, they sat around the groaning woman, they were contented with what they could do or had done, but the poet's father was a sensible person, he set about applying desi medicines and herbs on the bitten toe, while the holy man was performing puja to fight with pain, the father put some kerosene on the affected part and put a match to it, burn the poison. आगे है थोड़ा सा, the pain disappeared after 24 hours, the mother did not curse that scorpion or her fate, she instead thanked God that he made her alone suffer and spared her children। यहाँ पर आपका ये आंसर पूरा होता है, फिनिश क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर। थोड़ा सा लॉन्ग था क्योंकि 4 ही मार्क्स का था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना था, 4 ही मार्क्स का ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें मैंने ऑप्शन बी को सिलेक्ट यहाँ पर किया है। इन हिज चाइल्डहुड हाउ डिड गावस्कर बिहेव व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट मैचेस विद हिज फ्रेंड्स, हाउ डिड दे रिएक्ट टू हिज बिहेवियर। तो यहाँ पर इसका आंसर है, सुनील गावस्कर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑल्सो, ही डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ हिमसेल्फ विद हिज फ्रेंड्स व्हाइल प्लेइंग क्रिकेट, ही सेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉन्टेड टू बिकम अ बैट्समैन एंड आई हेटेड लूजिंग माई विकेट, दिस बिकेम सच अ ऑब्सेशन विद मी that if the rest of the boys ever got me out I would fight and eventually walked home with the bat and the ball, this would bring the game to an abrupt end since nobody else had a ball or bat, the boys cursed and called me names but the tension did not last long and we generally got on very well, among these early comrades with whom I played were the Ambe brothers, the Mandrekar brothers and several others who made up our team. Whenever I batted, they would decide beforehand that they would appeal at a particular ball and whether I was out or not. आगे भी आपका थोड़ा सा दे रखा है। I had to go by the majority verdict. We often played matches against team made up of boys living in the neighboring building and there was tremendous interest in the trophies as we called them, these trophies were small white metal cups for which we all contributed and brought for as little as ₹150। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो आपका थोड़ा सा फिर से लॉन्ग था। अब मैं फिर से दिखा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हैंड टू हैंड आप उसको लिख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं आपकी TMA फाइल का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर 6 होता है प्रोजेक्ट बेस्ड और ये होता है 60 मार्क्स का। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मैरी कॉम, यू मे इंक्लूड मैरी कॉम, आई होप आप लोगों को पता होगा मैरी कॉम बहुत ही फेमस जो है पर्सनालिटी हैं, बॉक्सर हैं, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। तो इसमें उनके बारे में, उनकी लाइफ से रिलेटेड उनकी ऑटोबायोग्राफी आपसे एक तरीके से लिखने को कहा गया है, उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारियां आपसे कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो पहला पॉइंट है हर बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस, कहाँ वो पैदा हुई और कौन से साल में हुई। तो मैरी वॉज बोर्न टू टोम्बा कोम एंड अखम कोन इन अ स्मॉल विलेज ऑफ कांगा थी,
मणिपुर में. मणिपुर इज द वन ऑफ द बैकवर्ड रीजन ऑफ द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन दोज डेज. इट वॉज अ स्टाइट थ्रोन स्टेट. आगे है नेक्स्ट अप आपका हर फैमिली बैकग्राउंड. मैरी कॉम ग्री इन द मिडस्ट ऑफ पॉवर्टी एंड फैमिली एंड शी हैड अ क्वालिटी ऑफ बींग रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ एज शी टुक केयर ऑफ हर थ्री यंगर सिबलिंग्स. हर पेरेंट्स वर पीजेंट्स एंड टोल्ड इन द फील्ड्स ऑफ जंप. नेक्स्ट है आपका पॉइंट हर एजुकेशन इंटरेस्ट एंड इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी. तो इसमें आपका दे रखा है मैरी कॉम वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स ड्यूरिंग स्कूलिंग डे. शी स्टार्टेड ऑफ बाई पर्टिकुलरिंग इन द वेरियस एथलीट कम्पिटिशंस मोस्टली रिलेटेड टू द डिस्कस थ्रो एंड शॉट पुट. हाउएवर शी स्टार्टेड फॉलोइंग अ फेमस मणिपुर बॉक्सर डिंगो सिंह एंड सून टुक अप पिक्ड अप विद बॉक्सिंग ग्लव्स. नेक्स्ट है हर एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ बॉक्सिंग. हिज फर्स्ट कोच वाज के कोसाना मैथी हु टॉट हर द बेसिक्स ऑफ बॉक्सिंग इन 1998. 15 ईयर ओल्ड थी क्योंकि मैरी कॉम मेड ऑल इम्पोर्टेंट डिसीजन दैट वुड चेंज हर लाइफ फॉर एवर. शी डिसाइडेड टू मूव टू द स्पोर्ट्स अकेडमी इन द स्टेट कैपिटल इम्फाल. ठीक है ना. आगे है आपका हर अचीवमेंट्स अवार्ड्स या फिर ऑनर्स के लाइफ में उनको कितने सारे अभी तक अच्छी ऑनर्स दिए गए हैं. अचीवमेंट्स क्या क्या है उनकी, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पर छोटा सा लोगों आपका जाएगा ये चार्ट सा यहाँ पर मैंने बना दिया है, जिसमें आपको जो है पहले ईयर बताना है कि कौन से साल में, और प्लेस बताना है, वेट बताना है, कॉम्पिटिशन बताना है कि कौन से साल में उनको कितना और कब और कैसे कौन कौन से अवार्ड्स उनको मिले. तो देख सकते हैं 2001 में सिल्वर, 48 वुमेन्स वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स, ये सब उनको मिले हैं. तो मैं बारी बारी करके आपको दिखा देती हूँ. आप रुक रुक के इनको थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. देखिए 2004 से 2010 तक यहाँ तक आप देख सकते हैं. आगे और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ 2011, 2012, 2012 में भी दो इनको अवार्ड्स मिले हैं, और कुल मिलाकर 2018 तक यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है फिनिश. आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन हेल्पफुल रहे होंगे, समझ में आए होंगे. तो जल्दी से आप जो है अपनी टीएमए फाइल उठा लीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपनी फाइल में लिख लीजिए. मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है आने में, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी मैं. बट जिन बच्चों ने नहीं बनाई है वो तो एटलीस्ट बना ही सकते हैं, बिकॉज आपकी टीएमए फाइल सबमिट होने का भी अब टाइम बहुत ही नज़दीक आ रहा है. तो ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 या 3 घंटे का काम है. आप आराम से इसको बैठकर कर सकते हैं. वर्ड टू वर्ड सारी लाइन आप यही उतार दीजिए. आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे नंबर एग्जाम में मिलने वाले हैं. वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और इसके अलावा आपको किस किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. इससे पहले 10th क्लास की और 12th क्लास के बहुत सारे सोल्व असाइनमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट के सोल्व असाइनमेंट मैंने अपने इस चैनल पर पहले अपलोड कर रखे हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो अगर आपको अदर सब्जेक्ट के टीम में फाइल बनानी है, उनके आंसर भी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए. डेफिनेटली आपको वहाँ पर उनका आंसर सभी का मिल जाएगा. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो. इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडी इन पाई स्टडी. थैंक यू सो मच.